कांग्रेस पार्टी द्वारा पहली बार चेन्नई की किन्नर अप्सरा रेड्डी को AIWC की महासचिव नियुक्त किया गया है। पहली बार किसी किन्नर को पदाधिकारी को इतना सम्मान मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अप्सरा को लोकसभा सांसद एवं पार्टी की महिला इकाई की अध्यक्ष सुष्मिता देव की मौजूदगी में पार्टी महासचिव नियुक्त किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा पहली बार किसी किन्नर को पार्टी का पदाधिकारी बनाया गया है। इस मौके पर अप्सरा ने कहा कि मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से आती हूं जहां मुझे कई पूर्वाग्रहों और अन्याय के बारे में पता चला था। पाखंड और भेदभाव ने मुझे अन्याय के खिलाफ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत को ऐसी ताकतों द्वारा शासित किया जा रहा है जो महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की तुलना में धार्मिक पहचान पर अधिक महत्व रखती हैं। उन्होंने इस बात पर बेहद प्रसन्नता व्यक्त की कि कांग्रेस ने उन्हें इज्जत दी है और वे अपनी दायित्व को बहुत अच्छे से निभाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अप्सरा रेड्डी की स्कूली पढ़ाई चेन्नई में हुई है। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता का ग्रेजुएशन किया। वे कॉलेज के समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहीं। उन्होंने ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए काम किया और इसके साथ ही पत्रकारिता भी की। उन्होंने लंदन से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और साथ ही वहाँ के मीडिया संस्थानों में भी काम किया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।